तो हेलो गाइस, वेलकम। तो गाइस, आप देख पा रहे हैं ये जो है SW बैटरी है, और ये बैटरी है 9 वोल्ट का, और ये बैटरी जो है डिस्चार्ज है, पूरी तरह से डिस्चार्ज है। कितना पुराना आप देख पा रहे हैं, लेकिन आज हम इस बैटरी को एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखेंगे चार्ज कि ये बैटरी चार्ज हो पा रही है कि नहीं। यहाँ पे तो बताया गया है, वार्निंग भी दिया गया है कि डू नॉट चार्ज, है ना। तो एक बार ये ख़त्म होने के बाद चार्ज दोगे तो ये चार्ज नहीं होगा ना, अब चार्ज करने की कोशिश मत करना ना। तो फिर भी हम इसे देखेंगे, चार्ज देखें, और आप लोग ऐसा करने का कोशिश मत करना। पहले जो है हम देख लेते हैं कि ये चार्ज हो पा रहा कि नहीं, ये भी बैटरी हीट हो रहा, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ये चीज़ हम चेक करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा बैटरी जो है पूरी तरह से डिस्चार्ज है, पूरी तरह से डिस्चार्ज है ना। और ये हम थोड़ा सा चार्ज करेंगे, किसी भी बैटरी थोड़ा सा चार्ज हो जाता है और लाइट भी चलने लगता है, क्योंकि कितना 1.5 वोल्ट का लाइट होता है LED लाइट, लेकिन ये 9 वोल्ट का है। 9 वोल्ट का जैसे कि ये है हमारा मल्टीमीटर, है ना, इसमें भी 9 वोल्ट से ही ये चलता है, वर्क करता है ना। तो चलिए अब हम इससे देखेंगे कि इस चार्ज करके इस बैटरी को इससे चला के देखेंगे कि ये भी ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तब समझेंगे कि हाँ उतना ये चार्ज हो पा रहा है। तो चलिए हम पहले जो है इस बैटरी को चार्ज लगा देते हैं अभी, है ना। तो हमारा नेगेटिव ये रहा और पॉजिटिव यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा क्या नहीं हो रहा बैटरी चार्ज देने पर ना, ये हम आपको बताएंगे। तो आपके सामने पे हम भी बैटरी को अभी चार्ज पे लगा दिए हैं, चार्ज मोड पे, है ना। और बैटरी थोड़ा सा भी हीट नहीं हो रहा अभी, और इसका अंदर भी बैटरी है, जो कि मल्टीमीटर जो है ये ख़राब हो चुका। आप देख पा रहे हैं कि ये जो है डिस्चार्ज है पूरी तरह से बैटरी। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और इसका अंदर का भी बैटरी हमें चार्ज कर देते हैं, या फिर ये चार्ज होने के बाद हम इस पर ट्राई करेंगे कि ये मल्टीमीटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। तो चलिए अब हम इसे जो है, तब तक हम इसे खोल लेते हैं इस मल्टीमीटर को। तो इसका क्या बहुत ही आसानी से खुल गया। तो इसके अंदर भी आप देख पा रहे हैं कि HW बैटरी लगा हुआ है, और अब हम इसे देखेंगे टच करके, थोड़ा सा भी हीट नहीं हो रहा है। चलिए, यानी कि अभी सही से ये चार्ज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी लगा हुआ है बैटरी डबल। तो चलिए हम इसे यहाँ से निकालते हैं, आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं सही से लगा हुआ है, और एक बार हम यहाँ से आपको दिखा देते हैं कि ये ऑन हो रहा है। तो अब देख पा रहे हैं कि ऑन नहीं हो रहा है। अब हम इसे निकाल लेते हैं यहाँ से, और हम इसे भी चार्ज करेंगे, क्योंकि ये पुराना है, ज़्यादा पुराना हो सकेगा कि हाँ ये चार्ज नहीं ले पा रहा, और ये पुराना है लेकिन जो है सेट था, चलते चलते ये ख़त्म हुआ है, इसलिए हो सकेगा कि हाँ ये चार्ज नहीं हो रहा, ये चार्ज हो जाए, है ना। और यहाँ पर मल्टीमीटर है सामने पे, फिर चेक करेंगे इसे। तो चलिए, लगभग तो 1 मिनट हो गया होगा, और हम थोड़ा चेक कर ले, और अब जो है गाइस ये हीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसे निकाल लेंगे। हाँ, बिल्कुल थोड़ा सा हीट हुआ। अब हम इसे चार्ज पे लगा देते हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब इस बैटरी को हम चार्ज पे लगा देते हैं, साइड पे रख के, ताकि हम इधर काम कर सकें, और हम आपको यहाँ पे ला के दिखाते हैं कि ये काम किया कि नहीं किया थोड़ा सा अभी। तो गाइस हम देख पा रहे हैं पुराना बैटरी लगा दिया है, न्यू को चार्ज हो रहा है, और हम इसे अब ऑन करेंगे। वाह, तो गाइस आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है हमारी बैटरी वही बैटरी है, और यहाँ पे ये चार्ज हो चुका है, और हम आपको वोल्टेज भी यहाँ चेक करके दिखाएंगे कि इसमें कितना यहाँ पे चार्ज हो रहा है इस मल्टीमीटर से। हाँ, तो चलिए हम यहाँ पे टच करके देख रहे हैं। तो गाइस आप देख पा रहे हैं
कि ये कितना चार्ज हो रहा है, किस तरह से चेंज करके देखते हैं। -14 15 वोल्ट, बस थोड़ा सा ही चार्ज दी है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा ये बैटरी चार्ज हो रहा है कि नहीं। ये तो आपको दिख गया कि हमारा एसी बैटरी चल रहा है ना। और ये रहा हमारा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो हम इसे भी चेक करेंगे कि कितना वोल्ट यहाँ पे चार्ज हो। तो गाइस आप देख पा रहे हैं 10 11 वोल्ट चार्ज, यानी कि 9 वोल्ट पे रुकेगा, हल्का सा घट रहा है। तो इसमें चार्ज, इसमें पावर ज़्यादा था इसीलिए जो है इसमें स्टोर भी पावर ज़्यादा हो गया है, इसीलिए जो है ये धीरे धीरे लो हो रहा है, आप देख पा रहे हैं है ना। तो धीरे धीरे ये 9 वोल्ट पे आके रुक जाएगा, या फिर हो सके कि ये धीरे धीरे डिस्चार्ज भी हो सकता है ना। लेकिन लाइव आप आपके सामने अभी दिखा रहे हैं कि हाँ ये बैटरी चार्ज हो रहा है, यानी कि इमरजेंसी के लिए थोड़ा सा अगर चेक करना है आपको। अगर हम इसके जगह पे जो है हम यहाँ पे कोड लगा देंगे मल्टीमीटर पे है ना, साइड पे कहीं पे कोड लगा देंगे कि हम थोड़ा सा देर के लिए चार्ज कर सकते हैं और कुछ भी चीज़ हमें हम चेक कर सकते हैं, तो ये भी हमारा काम करेगा। आप देख पा रहे हैं कि ये, और यहाँ पे हम आपको वोल्टेज एक बार पावर दिखा देते हैं कितना वोल्ट है। तो ऐसे आप देख पा रहे हैं 16 15 13, यहाँ भी वोल्ट कम से कम 16 वोल्ट यहाँ पे है ना। और यहाँ पर भी 35 10 35 10 35, क्योंकि उतना जल्दी जो है ये डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ अभी आप देख पा रहे हैं कि हमें इसे ऑन रखे हैं और कितना अभी हम इसे चेक भी कर लिए हैं है ना बैटरी को, और ये चार्ज भी हो रहा है। तो चलिए अब हम इसे तो थोड़ा देर के लिए लगाए थे, अब चलिए इसे ऑफ करते हैं और इस बैटरी को ला के देखते हैं कि हाँ इसे ये भी चार्ज हो रहा है कि हो सकेगा कि ये बैटरी पहले से चार्ज हो है ना, ये भी तो हो सकता है क्योंकि इसमें हम चेक करके आपको नहीं दिखाए थे। और ये तो डिस्चार्ज था, ये नहीं चल रहा था। तो चलिए अब इसे भी ला के एक बार देख लेते हैं। तो चलिए अब ऑन करते हैं। तो गाइस अब देख पा रहे आपके आंखों के सामने जो है ये बैटरी से ये मल्टीमीटर चल रहा है। और यहाँ पे और एक बार हम इसका पावर चेक करेंगे वोल्टेज कि यहाँ पे कितना है ना। तो गाइस अब देख पा रहे 9.9 वोल्ट है और ये परफेक्ट रुका हुआ है, डिस्चार्ज नहीं हो रहा। कुछ इसी तरह से जो है ये बैटरी भी उसी तरह से हो जाएगा है ना, ये घट रहा है नहीं है ना। तो गाइस आपने देखा कि किस तरह से जो हम फिर से बैटरी को रिचार्ज कर दिए हैं। तो आई होप गाइस ये आइडिया आपको अच्छी लगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।